हेलो व्हाट्स अप डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय सेल्फ शमीम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो देखिए क्या बताया जाता है, क्या पूछा जाता है हमसे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या इनके रेशियोज जो हैं ये पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर ये इंटरसेक्टिंग होंगे। अब ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट है क्या चीज, ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के क्वेश्चंस में भी आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। देखिए हमारे पास इक्वेशन तो ये है, इसको हम जनरल इक्वेशन में अगर लिखे तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम A1x + B1y + C = 0, ठीक है, ये जनरल है, AX + BY + C जैसे हम लिखते थे। क्योंकि अब A1 और B1 हमने इसलिए नाम रखा क्योंकि, और C1 इसलिए क्योंकि यहां पे हमारे पास इक्वेशंस दो हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था x का ये A1 है और यहां पे जो x का क्वेश्चन है ये A2 है, ऐसे ही y का क्वेश्चन B1, यहां का y का क्वेश्चन B2 और ये C1 और ये C2, ये कोएफिशिएंट्स है, ये कुछ और नहीं है, कोएफिशिएंट्स है। और अगर यही कोएफिशिएंट्स, इनका रेशियोज अगर हम देखें, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, आगे सारे क्वेश्चंस में आपको ये काम आने वाला है। A1/A2 अगर B1/B2 के काम बराबर ना आया तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लाइंस इंटरसेक्टिंग का मतलब, अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा हो, मैं बार बार कहता हूं कि कनेक्टिविटी होती है हर एक क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन के साथ कनेक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज में पूरी क्वेश्चन की कनेक्टिविटी रहती है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस लाइंस होती है, ग्राफ पे ये लाइंस, और वो मैंने वहां पे ग्राफ पे बना के भी दिखाई आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, तो क्या कहा जाता है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ग्राफ पे ये लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटेंगी। यहां तक समझ में आया, ओके। चलिए दूसरा क्या है, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, ठीक है, जो रेशियोज है यहां के और यहां के इक्वल आ गए, और यहां के भी C1/C2 भी इक्वल आ गया, तो लाइंस कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी, मतलब सारे वैल्यूज जो होंगे वो सेम रहेंगे, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से गुजरेगी, उसी को हम कोइंसाइड कहते हैं। और तीसरा केस क्या है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, लेकिन वो अगर C1/C2 के बराबर ना आया, तो लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना हो, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, बहुत आसान है। फिर ये याद रहा आपको इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये याद रहा कोइंसाइड, ये याद रहा ये पैरेलल। अब देखो ये पैरेलल, कोइंसाइड और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का मतलब जब लाइंस इंटरसेक्ट काटेंगी एक दूसरे को, कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन एक आएगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, तो पॉइंट्स कितने होंगे, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही है, तो सारे पॉइंट्स जो है वो कोइंसाइड हो रहे, तो पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल जा रही है, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, वो कनेक्ट नहीं हो रही है। जब कनेक्ट नहीं होंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। तीन पार्ट है इसके, तीनों पार्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बस आप अच्छे से देखते रहें। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, हम इसमें लिखेंगे ना, हियर ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर A1, A1 क्या है, A1 पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट होता है, पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है 5, तो A1 आ जाएगा 5, ठीक है। फिर लिखेंगे B1 पहली इक्वेशन का ही y का कोएफिशिएंट होता है, y तो ये है, इसका कोएफिशिएंट है -4, तो B1 लिखेंगे हम -4। और C1 क्या है, C1 होती है पहली इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, पहली इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है 8, तो लिखेंगे 8। तो A1, B1 और C1 हमने निकाल लिया, A2, B2, C2 भी निकाल लेते हैं। A2 क्या है, A2 है 7, एंड ऐसे ही B2 क्या है, B2 है 6, एंड C2 क्या है, C2 है -9। अब हमारे पास जो है ये कोएफिशिएंट्स हमने निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, देखेंगे ना। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ ए वन बाई ए टू, बोलिए भाई ए बाई ए वन बाई ए टू क्या आएगा, आएगा ना 5/7, ए वन बाई ए वन 5 है और बाई ए टू जो है 7 है, ए वन बाई ए टू 5/7 आ रहा है। बी वन बाई बी टू क्या आएगा, बी वन बाई बी टू देखते हैं क्या आएगा, बी वन है यहां पे -4 और बी टू है यहां पे -6, खाली 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 3 6, वो किसके बराबर है, माइनस आ गया तो -2 रखेंगे और नीचे 3, -2/3, अगर आपको ये याद रहा वो जो मैंने यहां पे दिखाया था, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर आ ही नहीं रहा है, मत आ रहा है, यहां पे 5/7 और यहां पे -2/3 है, इसका मतलब है कि c1/c2 भी इनके बराबर कभी नहीं होगा। जब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर ना हो तो c1 by c2 खुद उसके बराबर नहीं होता है। तो यहां तक आपको करके भी छोड़ देना है, या फिर अगर करना भी चाहो c1 by c2 कर दो, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर देता हूं, 8 डिवाइड बाय 9 है, 8 डिवाइड बाय -9 तो 8 डिवाइड बाय -9 रहेगा। तो देखो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, लिखते हैं आप देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मत है। जब ऐसा केस आए, जब ऐसी सिचुएशन आए, तब मैंने आपको बोला था कि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो ये लाइंस हैं इन इक्वेशंस की, वो इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे और एक ही सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये क्या है, ये कोइंसाइड है, ये सॉरी कोइंसाइड नहीं, ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। तो ऐसे लिखेंगे, हेंस ऐसे आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, हेंस द लाइंस representing the equations intersect each other at a particular point, at a therefore the given pair of equations have only one solution, एक ही solution होगा। खैर आपको solution नहीं बताना था कि कितने होंगे, बस आपको इतना लिखना था कि intersecting होगी या नहीं, तो intersecting होगी या coincide होगी या parallel, तो ये आपने देख लिया कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो simply ये intersecting lines हैं। तो ये आपका पहला पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें, मैं दूसरा दिखाता हूं। चलिए ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, दोनों पार्ट को हम अब इस पार्ट में निपटा डालेंगे। तो यहां पर क्या लिखना हमें, लिखेंगे ना a1 क्या है यहां पे, a1 9 है, ठीक है, b1 यहां पे 3 है एंड c1 यहां पे 12 है, ओके। फिर ऐसे ही a2 यहां पे 18 है, b2 यहां पे 6 है एंड c2 यहां पे 24 है। ये हमने एक कोफिशिएंट्स लिख लिए, अब हम रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज निकालने के लिए लिखेंगे ऐसे, नाउ a1 by a2 a1 by a2 क्या आएगा, 9 by 18 आएगा, सिंपल है, बहुत आसान है। देखो इतने आसान तरीके से दिखा रहा हूं ना कि आप एक बार अच्छे से देख लो, कहीं से आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना जैसे आपने इसमें हिफिज किया हो। 9 by 18 तो 9 से कट जाएगा, 9 1 9 और 9 2 18, तो क्या आएगा 1/2। फिर ऐसे ही ये वाला रेशियो b1/b2 का, b1/b2 b1 है 3 एंड b2 है 6, तो फिर से 2 से कटेगा, 3 1 2 3 और 3 2 6 आएगा ना 1/2 यहां पे भी। फिर c1 by c2 c है 12 एंड c2 है 24, यहां से भी 1/2 से कटेगा, 12 1 12 एंड 12 2 24, तो क्या आएगा 1/2। देखो तीनों सेम आ रहे हैं, a1 by a2 भी 1/2, b1 by b2 भी 1/2 और c1 by c2 भी 1/2, तीनों सेम आ रहे हैं। तो याद करो जो जब तीनों सेम आए तब कौन सी सिचुएशन, तब क्या होता है, लाइन क्या होती है, तब मैं पहले ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर a1 by a2 इक्वल है, बराबर है b1 by b2 के और वो बराबर है c1 by c2 के। जब ऐसी सिचुएशन आए तीनों रेशियोज इक्वल हो तो तब क्या होता है, तो तब लाइंस जो होती हैं, तो लाइंस कोइंसाइड होती हैं। तब लाइंस क्या होती हैं, तब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं और बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे इसके वैल्यूज होंगे इस इक्वेशन के, इस लाइंस के, इन लाइंस के। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो लाइंस है ये कोइंसाइड होंगी, ये कोइंसाइड होंगी। आपको इतना ही लिखना है कि कोइंसाइड है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग, बस आपको ऐसे लिखना है। हेंस द गिवन लाइंस
हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्यूशंस देयरफॉर दे आर कोइंसाइड। ये आगे वाले क्वेश्चन में आपके बहुत काम आने वाला ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां पे अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ लीजिए। अब देखिए तीसरा पार्ट बहुत आसान, ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। A1 A1 6 है, B1 B1 minus 3 and C1 C1 है 10, A2 2, B2 B2 है minus 1, ठीक है, Y के आगे कुछ नहीं है, it means 1 और minus, ठीक, and C2 C2 है 9। Now उसके बाद हम रेशियो देखेंगे A1 by A2, A1 by A2 क्या आएगा 6 by 2, तो ये आएगा 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो क्या है 3 by 1 होता है 3, ठीक, 3 by 1 होता है 3। अब B1 by B2, B1 by B2, B1 है यहाँ पे minus 3 and B2 है minus 1, minus और minus कट गया, 3 by 1 होता है 3, B1 by B2 भी 3 और A1 by A2 भी 3 है। अब C1 by C2 देखते हैं, C1 by C2 होगा ना 10 by 9, 10 यहां का और 9 यहां का, 10 divided by 9, तो यहां से देखो A1 by A2 B1 by B2 के बराबर है, बट वो C1 by C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore A1 by A2 is equal to B1 by B2, but B1 by B2 is not equal by C1 by C2. A1 by A2 B1 by B2 के बराबर है, लेकिन वो C1 by C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आए तब लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, हेंस द लाइंस आर पैरेलल। जब ऐसी सिचुएशन हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। आपको बस इतना बताना था कि लाइंस पैरेलल होंगी, कोइंसाइड होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी। सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद भी आपको अच्छे से लिखना आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे मजीद भी क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।